बसपा के बागी विधायक ने श्रावस्ती में की सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज से औपचारिक भेंट। बागी विधायक असलम रायनी के घर पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सितंबर में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बसपा के सभी बागी विधायक। श्रावस्ती दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने आज बसपा के बागी विधायक असलम रायनी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मुलाकात से सभी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। श्रावस्ती में सपा के सैकड़ों समर्थकों ने सपा राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत बसपा बागी विधायक असलम रायनी के आवास पर किया, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। इस दौरान विधायक असलम ने कहा कि इंद्रजीत सरोज जी से मेरी मुलाकात काफी सुखद रही और बहुत जल्द सभी बागी विधायकों की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर चर्चा हुई है। यूपी की सियासत में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने शुरू हो गए हैं। जनपद श्रावस्ती के भिंगा विधानसभा से विधायक असलम रायनी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ श्रावस्ती दौरे पर आए राष्ट्रीय महासचिव से भिंगा अपने निजी आवास पर मुलाकात की। इस निजी मुलाकात ने सबको चौंका दिया है। इसके साथ तमाम तरह की अटकलों पर भी आज रोक लग गई। इस उप बैठक में बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं असलम रायनी ने राष्ट्रीय महासचिव से काफी देर तक चर्चा की, जो कि यह संकेत देता है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा ज्वाइन करेंगे। बागी विधायक ने कहा कि श्रावस्ती जनपद की दोनों विधानसभा सीट जीत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम सब मिलकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। सूत्रों से ज्ञात होता है कि सभी बागी विधायकों को सपा निरंतर सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बहुत जल्द सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। बागी विधायक असलम रायनी कुछ दिन पहले काफी सुर्खियों में थे, जब उन्होंने 12 विधायकों के साथ एक नई पार्टी बनाने की बात कही थी और राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी से बगावत कर सपा के खेमे में आ गए थे। लेकिन आज के इस घटनाक्रम से यह साबित होता है कि यह सभी बागी विधायक अपनी पार्टी ना बनाकर सपा में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है और चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थाम कर आगामी विधानसभा चुनाव सपा के बैनर तले लड़ेंगे। वही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी बागी विधायकों के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और सबके सहयोग से मिशन 2022 को पूरा करेंगे और सरकार बनाएंगे।